सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं CTH। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्ड इको स्पोर्ट के टॉप एंड वेरिएंट स्पोर्ट्स मॉडल के हेडलाइट्स के फंक्शन के बारे में। सारी डिटेल्स मैं आप सबको बताने वाला हूं, किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं आप और क्या क्या फंक्शन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सो सबसे पहले जो आपको हेडलाइट का फंक्शन देखने को मिलता है, सो कुछ इस तरह से डायल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सर्कल सा देखने को मिलता है। देन उसके बाद आपको छोटी लाइट्स देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद आपको ये हाई बीम देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑटो का लिखा है, ये ऑटो हेडलाइट्स का फंक्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स जो है आपकी ऑन हो जाती है। देन उसके बाद आपको नीचे आपको लेवलिंग का देखने को मिल जाता है। ये वाला बटन जब आप प्रेस करते हैं, इसको जब आप घुमाते हैं तो आपकी जो हेडलाइट्स है वो जो है आपकी लेवल हो जाती है। और ये जो स्विचेस आपको मिलते हैं, ये जो है होल लाइट्स, जो जितनी भी आपकी गाड़ी में जो लाइटिंग जलती है, इसके अंदर जो MID में लाइटिंग होती है उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए ये आपको स्विचेस दिए गए हैं। और इस साइड जो आपको स्विच मिलता है वो आपको मिलता है फॉग लाइट्स का। इसको आप प्रेस करते हैं तो आपकी फॉग लाइट ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। सो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप सर्कल पे रखते हैं तो आपको कुछ ये वाली लाइट्स देखने को मिलती है। देन उसके बाद जब आप सेकंड पे घुमाते हैं तो आपको छोटी लाइट्स देखने को मिल जाती है, एकदम जो स्मॉल लाइट्स आगे जलती है वो वाली। देन उसके बाद जब आप दूसरी चलाते हैं तो आपको फुल लाइटिंग देखने को मिल जाती है। ऑटो हेडलाइट्स में करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करके आपकी चल पड़ती है। और इसमें आपको HID देखने को मिलती है स्पोर्ट्स मॉडल में। देन जब वो लेवल स्विच जो मैंने आपको बताया था उसको आप रोटेट करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी लाइटिंग जो है अप डाउन होती है। सो ये लेवलिंग स्विच का काम करते हैं।